अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, समुंदर एक वसी पुर असरार जगह है जो ये जमीन के कुछ खतरनाक तरीन मखलूकात का घर है। ये जानवर ना सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं बल्कि ये दिगर समुद्री हयात के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। समुंदर में नजर आने वाली ये खूबसूरत सी मखलूकात इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही टॉप 10 मोस्ट डेंजरस सी एनिमल्स इन द वर्ल्ड के बारे में बताएंगे, जिसमें आप नंबर 4 और नंबर 1 पर मौजूद एनिमल के बारे में जानकर रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, बाराकुडा फिश। फ्रेंड, बाराकुडा एक शिकारी मछली है जो दुनिया भर में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानियों में पाई जाती है। ये मछली अपने तेज दांतों और जारहाना रवैये के लिए मशहूर है। बाराकुडा फिश 8 फीट लंबा और 100 पाउंड वजन तक भर सकता है। ये गोश्त खोर फिश है और इनकी खुराक मछली और पानी में मौजूद दिगर छोटे जानवर है। बाराकुडा फिश को इंसानों के लिए बड़ा खतरा नहीं समझा जाता, ताहम हालिया बरसों में इंसानों पर मुतायद खतरनाक हमले हो चुके हैं। ऐसा ही एक हमला 2016 में रियासत मुतहदा में एक खतरनाक बाराकुडा फिश ने किया। 2016 के इस हमले के बाद इसको सबसे खतरनाक फिश समझे जाने लगा। नंबर 9, ब्लू रिंग ऑक्टोपस। फ्रेंड, ब्लू रिंग ऑक्टोपस एक छोटा ऑक्टोपस है जो बहरे हिंद अलकाहल के इलाकों में रहता है। ये ऑक्टोपस छोटे हैं लेकिन ये बहुत जहरीले हैं। ब्लू रिंग ऑक्टोपस की जिल्द पर नीले रंग के हल्के होते हैं जो खतरा महसूस करने पर ज्यादा वाजिया हो जाते हैं। ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर बहुत ताकतवर है और ये फालज और सांस में दुश्वारी और यहाँ तक के मौत का भी सबब बन सकता है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस जारहाना मखलूकात नहीं है लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये हमला करते हैं और इनका हमला करना आम तौर पर इंसानों के लिए खतरनाक होता है और इसका कोई मारूफ तरकीब नहीं है। नंबर 8, कॉर्न स्नेल। फ्रेंड्स, कॉर्न स्नेल एक छोटा स्नेल है जो दुनिया भर में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानियों में रहता है। ये स्नेल्स जहरीले हैं और इनका काटना इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। कॉर्न स्नेल्स में हार्पोन की तरह प्रोबोसिक्स होता है जिसे वो अपने शिकार में जहर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉर्न स्नेल का जहर बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये फालज सांस में दुश्वारी और यहाँ तक के मौत का सबब भी बन सकता है। कॉर्न स्नेल जारहाना मखलूक नहीं है लेकिन अगर ये खतरा महसूस करते हैं तो ये इंसानों पर भी हमला करते हैं और आमतौर पर इनका इंसानों पर हमले करने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ये हमला करते हैं तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। नंबर 7, पोर्तुगीज मैनोवार। फ्रेंड, पोर्तुगीज मैनोवार जेलीफिश की एक कॉलोनी है जो समुद्र में तैरती है। ये जानवर तकनीकी तौर पर मछली नहीं है बल्कि इनका ताल्लुक जेलीफिश से है। पोर्तुगीज मैनोवार दुनिया भर में गर्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानियों में पाए जाते हैं। ये अक्सर पानी की सतह के करीब पाए जाते हैं लेकिन ये ज्यादातर 100 फीट की गहराई में रहते हैं। पोर्तुगीज मैनोवार जहाना मखलूक नहीं है लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये हमला करते हैं और इनका हमला करना बहुत तकलीफदेह होता है और इससे मतली, उल्टी और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। कुछ मामलों में इसका हमला करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नंबर 6, स्टोन फिश। फ्रेंड, स्टोन फिश एक और जहरीली फिश है जो इंडो पैसिफिक खिते में पाई जाती है। ये मछलियाँ अच्छी तरह छुपी हुई होती हैं और समुंदर के फर्श पर चट्टानों और मरजान के साथ घुल मिल जाती हैं। स्टोन फिश छोटी होती हैं लेकिन बहुत जहरीली होती हैं। इनका काटना इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है और इनका कोई मारूफ एंटीडोट मौजूद नहीं है। स्टोन फिश जहरीला मखलूक नहीं है लेकिन अगर इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये इंसानों और मछलियों पर भी हमला कर देते हैं। इनके हमला करने से दर्दनाक दर्द, सूजन और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है और कुछ मामलों में इसके काटने से मौत भी वाकई हो सकती है। नंबर 5, बॉक्स जेलीफिश। फ्रेंड, बॉक्स जेलीफिश दुनिया की सबसे जहरीली मखलूक में से एक है। ये जेलीफिश इंडो पैसिफिक खिते के गर्म पानियों में पाई जाती है। बॉक्स जेलीफिश छोटी है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। इनका हमला इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है और इसका कोई मारूफ एंटीडोट मौजूद नहीं है। बॉक्स जेलीफिश जहरीला मखलूक नहीं है लेकिन अगर ये खतरा महसूस करती है तो ये हमला करती है और इनके हमला करने से दर्दनाक दर्द, मतली और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है और कुछ मामलों में इंसान की जान भी सकती है।
नंबर 4 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। फ्रेंड्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया भर में मगरमच्छों की सबसे बड़ी नस्ल है। ये मगरमच्छ 23 फीट लंबे और 2000 पाउंड तक वजनी हो सकते हैं। ये जनूबी मशरक एशिया, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के साहली इलाकों में पाए जाते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आला शिकारी हैं और ये अपने माहौल में फॉर चीन में सबसे ऊपर हैं। ये गोश्तखोर हैं और इनकी खुराक मछली, कछुए, परिंदे और ममालिया पर मुश्तमिल है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को इंसानों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं समझा जाता, ताहम हालिया बरसों में मुतायद खतरनाक हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। 2016 में जनूबी मशरक एशिया में इन क्रोकोडाइल्स ने 119 से ज्यादा इंसानों पर हमले किए, जिनमें से ज्यादातर लोग मौत के मुंह में चले गए। नंबर 3 बुल शार्क। फ्रेंड, बुल शार्क एक और जहाना और खतरनाक शार्क की नस्ल है। ये शार्क ताज़ा और खारे पानी की गहराइयों में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये और भी खतरनाक है। बुल शार्क 14 फीट लंबी और 100 पाउंड तक वजनी हो सकती है और ये अपने जहाना रवैये के लिए जाना जाता है और बगैर किसी वजह के इंसानों पर हमला करने के लिए भी जानी जाती है। बुल शार्क चुनने वाले खाने वाले नहीं है, वो मुख्तलिफ किस्म के शिकार की अशिया खाएंगे। इनकी खुराक में मछली, कछुए, केकड़े और यहाँ तक के समुद्र में मौजूद छोटे जानवर भी शामिल है। नंबर 2 टाइगर शार्क। फ्रेंड्स, टाइगर शार्क एक और बड़ा और खतरनाक शिकारी है जो दुनिया के तमाम समुद्रों में पाया जाता है। इन शार्क का नाम इनकी मखसूस स्याह धारों की वजह से रखा गया है, जो कि शेर की तरह हैं। टाइगर शार्क 18 फीट लंबी और 1400 पाउंड तक वजनी हो सकती है। वो मौके पर सुस्त शिकारी है, मतलब ये कि वो मुख्तलिफ किस्म के शिकार की अशिया खाएंगे। इनकी खुराक में मछलियाँ, कछुए और समुद्री परिंदे और यहाँ तक के दिगर शार्क भी शामिल है। टाइगर शार्क को इंसानों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं समझा जाता, ताहम हालिया बरसों में मुतायद हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। 2017 में रियासत मुतहदा में शार्क ने 7 इंसानों पर हमले किए, जिनमें एक बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। नंबर 1 ग्रेट व्हाइट शार्क। फ्रेंड्स, ग्रेट व्हाइट शार्क दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक शिकारियों में से एक है। ये शार्क सबसे ऊपरी शिकारी है, मतलब ये कि वो फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। ये आर्कटिक और अंटार्कटिका के अलावा दुनिया के तमाम समुद्रों में पाए जाते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क बड़े और ताकतवर जानवर है जो 20 फीट लंबे और 4000 पाउंड वजन तक भर सकते हैं। इनका एक मखसूस सफेद जिस्म है जिसमें स्याह डोर्सल पंख है। ग्रेट व्हाइट शार्क गोश्तखोर है और इनकी खुराक समुद्र में मौजूद मछलियाँ, समुद्री घोड़े और डॉल्फिन पर मुश्तमिल है। वो अपने जहराना शिकार के रवैये के लिए मशहूर है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बार बार ढूंढना ना पड़े तो इसके लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।